सो हे गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम टू माई न्यू अदर फ्रेश ब्लॉग। एंड सो गाइज, अभी शाम के टाइम हो गया 18:21 और आज संडे है, तो मैं सोचा था कि फुल डे अर्निंग वाली एक वीडियो बनाऊं, बट मुझे थोड़ा कुछ काम था, इस वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज पार्ट टाइम में कुछ अर्निंग कर लेते हैं। और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ 28 सेक्टर वाली इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प पर, वहाँ से पेट्रोल डलवाऊँगा और वहीं से मैं लॉगिन कर लूँगा। अभी मैं लॉगिन नहीं किया हूँ, नहीं तो कई बार लॉगिन करते ही राइड आ जाती है। अगर मैं अभी लॉगिन कर लिया और अचानक से राइड आ गई तो मेरे बाइक में पेट्रोल भी नहीं है, तो जब तक मैं पेट्रोल डलवाऊँगा तब तक कस्टमर कैंसिल कर देते हैं ऑर्डर। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले पेट्रोल डलवा लेता हूँ, फिर वहीं से लॉगिन कर लूँगा। और आज मैं 28 सेक्टर वाली पेट्रोल पम्प पर इसलिए पेट्रोल डलवाने जा रहा हूँ कि वहाँ से नियर बाय रेलवे स्टेशन है, क्योंकि आज संडे है तो इंडस्ट्रियल एरिया से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है राइड आने की। इसलिए मैंने सोचा कि 28 सेक्टर से नियर बाय है रेलवे स्टेशन, और सेक्टर से भी तो राइड आ ही जाती है। और आज मेरी बाइक चली है 28,820 किलोमीटर, और आज मैं 12 से 1 बजे तक काम करने वाला हूं। तो देखते हैं आज पेट्रोल कितना खर्चा होता और मेरी बाइक कितना किलोमीटर चलती है। जो भी अर्निंग होगा मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। तो हम आ चुके हैं इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर। सो गाइज, मैंने पेट्रोल यहाँ से डलवा लिया है, और पेट्रोल का रेट चंडीगढ़ में 104 रुपये लीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है। तो अब मैं यहां से रैपिडो और ओला ऑन कर लेता हूं। तो ओला में मैंने ऑन ड्यूटी हो चुका, और रैपिडो को भी कर लेता हूं ऑन ड्यूटी। तो मैंने रैपिडो और ओला ऑन ड्यूटी हो गया, अब देखते हैं जल्दी किस में राइड आती है सबसे पहले। सो गाइज, ओला में पहली बुकिंग आ चुकी है और कस्टमर का भी कॉल आ गया, देखते हैं क्या बोलता है। हेलो, बस सर मैं आपके बगल में हूँ, 2 मिनट। तो इसका पिकअप लोकेशन बिल्कुल बगल में ही है, ये रोड है उसके उस साइड खड़ा है। मुझे ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा, ओनली 5 मिनट मुझे वेट करना पड़ा और मुझे साथ के साथ राइड आ गई है। अभी तक मैंने ओला में 3 राइड कंप्लीट किया है और अर्निंग 191 रुपया हुआ, और सेम रैपिडो में भी 3 राइड कंप्लीट किया बट उसमें 153 रुपया अर्निंग हुआ अभी तक की। और अभी रात के 10 बज गया है, तो आज भी वही 12-1 बजे तक का टारगेट करते हैं। 12-1 बजे के बाद मैं ऑफलाइन हो जाऊंगा। मैं PGI के गेट के सामने, नहीं एक नंबर गेट है यहाँ से, हाँ हाँ यहाँ से राइट फिर लेफ्ट है ना। अच्छा ठीक है ठीक है, ओके। फोर पॉइंट एट किलोमीटर की डिस्टेंस है, अब इतना दूर कौन जाएगा। तो कॉल भी आ गया कस्टमर का। हेलो, हाँ जी भाई, बुकिंग थी। हाँ बट 5 किलोमीटर डिस्टेंस है आपका पिकअप लोकेशन, इतना दूर मैं नहीं आऊँगा। वो 2 किलोमीटर के आसपास में होता तो मैं आपको पिक कर लेता, 5 किलोमीटर ज़्यादा दूर हो जाता। रात का टाइम है ना यार, नहीं तो कर लेता मैं। देख लो यार भैया, आ जाओ। सर मैं आ जाता बट नुकसान हो जाएगा ना, आप मेरी बात नहीं समझते हैं। 100-150 दे दूंगा मैं आपको यार, इसमें तो मान जाओ। अच्छा ठीक है, पिकअप अगर एक्स्ट्रा देंगे फिर मैं आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ आप, मैं कर दूंगा। हाँ ठीक है, आप कैंसिल नहीं करेंगे ना राइड, मैं आपको लोकेशन पे पहुँच ही रहा हूँ बस। ठीक है, पहुँचो जल्दी पहुँचो। तो अभी एक राइड आई थी और इनका पिकअप लोकेशन बहुत ज़्यादा 5 किलोमीटर है, तो यार 5 किलोमीटर कौन अपना पेट्रोल खर्चा करके जाएगा, इतना महंगा पेट्रोल हो गया। 2 किलोमीटर के आसपास में होता तो मैं पिक कर भी लेता, बट इन्होंने फ़ोन किया, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा थी कि रात का समय आ जाओ और मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, लेकिन मैंने फिर भी इनको बार बार मना किया कि मैं नहीं आऊँगा, 5 किलोमीटर तक का आपका पिकअप है। फिर इन्होंने बोला कि मैं 150 रुपया दूंगा, 100 रुपया आपका बिल आता है। मैंने बोला ठीक है, अगर आप ज़्यादा पे करोगे तो मैं आ जाऊँगा, क्योंकि 5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, रैपिडो तो हमारे बारे में सोचती नहीं है। अभी इससे पहले एक राइड आया था, उसने कैंसिल ही कर दिया। मैं कम से कम 3-4 किलोमीटर उसको पिक करने के लिए आया था और उसके बाद उसने कैंसिल कर दिया। सो गाइज, हम अभी आ चुके हैं 43 की बस स्टैंड, और वो रहा सामने बस स्टैंड, मेन एंट्री उसकी उधर से ही है। और अभी टाइम हो गया 12:19, तो मेरा घर जाने का समय हो गया, और मैंने रैपिडो में भी माई रूट बुकिंग लगा दिया है और ओला में भी गो टू होम लगा दिया है। तो रैपिडो की अर्निंग देख लेते हैं, यहाँ पे 0 दिखा रहा बट ऐसा नहीं है, क्योंकि 12:28 हो गया अभी। तो हिस्टोरी में जाके मैं यहाँ पे 17 अप्रैल को क्लिक करता हूँ, तो 277 रुपया
और 5 राइड मैंने कंप्लीट किया रैपिडो में, और वही ओला में देख लेता हूँ फिर। ओला में भी ऐसे ही है तो मुझे भी हिस्ट्री में जाके देखना पड़ेगा। ओला में मैंने 3 राइड कंप्लीट किया, 187 रुपया अर्निंग हुआ। अगर हम इस दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो कितना होता है, 277 रैपिडो में प्लस 187 ओला में, 464 रुपया हो गया। और एक कस्टमर था जिसका 5 किलोमीटर पिकअप लोकेशन था और मैंने उसको मना कर दिया था, तो उसने मुझे 60 रुपया एक्स्ट्रा दिया था। 88 रुपये का बिल आया था उसका, और उसने बोला था 10 किलोमीटर था और उसने बोला था मैं आपको 150 रुपया दूंगा, तो मुझे उसका उसने 150 रुपया दिया, तो उसको हम 60 रुपया प्लस कर देते हैं यहाँ पर। प्लस 60 524 रुपया हुआ। और मैंने एक राइड और ऑफलाइन में किया था, मौली जागरा से मैंने उसको खरहर लेके आया था और उसको खरहर से चार्जर लेके सिर्फ मलोया आना था, तो मैंने उसको भी ऑफलाइन में छोड़ दिया। 6 किलोमीटर था पर मैंने उसे 80 रुपया लिया था, तो मैं 80 रुपया को भी यहाँ प्लस कर देता हूँ, प्लस 80 रुपया, तो टोटल 604 रुपया हो गया। और 604 रुपया हो गया। और मेरी बाइक चली है 28,908 किलोमीटर अभी है, और उस टाइम चली थी 28,820 किलोमीटर। 28,908 - 28,820, तो यहाँ पर 88 किलोमीटर मेरी बाइक चली 88 किलोमीटर, जिसमें कि मेरा 170 रुपये के लमसम पेट्रोल खर्चा हो गया। 604 रुपया मेरी अर्निंग हुई थी, इसमें हम 170 रुपया पेट्रोल का माइनस कर देते हैं, तो 434 रुपया मेरा आज की टोटल अर्निंग हुई, और 34 रुपया हम बाइक की सर्विस के लिए छोड़ देते हैं, तो आज की टोटल अर्निंग 400 रुपया मेरा पूरा हुआ। तो आज की अर्निंग मेरी 400 रुपया हुआ, और मैंने ओला में गो टू होम लगा दिया है और रैपिडो में भी माई रूट बुकिंग ऑन कर दिया। अब यहाँ से मैं घर जा रहा हूँ, और रास्ते में जो भी राइड आएगी हमारी आसपास का ही आएगा, बट मुझे नहीं लगता कि राइड आएगी यहाँ से, क्योंकि अब इतना रात हो गया, ज़रूरी थोड़ा ना कि हमारे घर के आसपास का ही कोई राइड आएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपको फिर किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।